हेलो फ्रेंड्स, एमटीवी पर आप सभी को स्वागत है। आज बताएंगे छोटी सी एक टिप्स, अगर आपकी दांत पीला हो गया या गंध होती है। बहुत सारे लोग खैनी गुटखा खाते हैं तो दांत पीला हो जाता है और गंध भी होता है बहुत सारे आदमी की मुंह से। तो चलिए देखते हैं कैसे वो गंध नहीं होगा, पीला नहीं होगा और झट से अच्छा हो जाएगा। चलिए देखते हैं वो टिप्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को चाहिए दो चीज़। एक ये है बेकिंग सोडा और ये है टूथपेस्ट। ये कोलगेट का टूथपेस्ट है। अगर आप दूसरा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो भी चलेगा। तो अभी तो मेरे पास कोलगेट है। तो ये है बेकिंग सोडा। इसको बेकिंग सोडा को थोड़ा सा लेना है, ऐसा आधा चम्मच, ठीक है। और एक कोलगेट को निकाल लेते हैं, टूथपेस्ट को, फिर यहाँ पे इसको मिक्स कर देते हैं। ओके, ऐसे करके पूरा मिक्स हो जाएगा। ऐसे करके अभी तो मिक्स हो गया है, ये देखिए मिक्स हो गया है। तो अभी इस मिक्स को टूथपेस्ट में लेकर दांतों में जैसे ब्रश करते हैं आप लोग कीजिए, और ब्रश करने के बाद देखिए कैसा चमकता है आप लोगों का दांत। ऐसा गुटखा खा के अगर पीला हो गया है या गंध आती है आपके मुंह से, इसका सब प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर करके देखिए, आप लोगों का जो प्रॉब्लम है दांतों का वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।